दोस्तों, जुगल सर ऑनलाइन काशी यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ खास नया और बिंदु लेकर के आया हूँ जिसका इंतजार आपको लंबे टाइम से था। दोस्तों, एक टाइम था कि जब आपको वैकेंसियों का इंतजार करना पड़ता था, बहुत ज्यादा वैकेंसी कब आ जाएगी कब आ जाएगी। आपको लास्ट आपको याद हो तो नेक्स्ट 4 सालों तक लगातार वैकेंसी का आपको इंतजार करना पड़ा है। आज उसी की देन है कि एक बार इंतजार करना पड़ता था, आज वैकेंसी पे वैकेंसी वैकेंसी पे वैकेंसी, मतलब तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, कंटिन्यूस तारीख वो आपको मिल रही है कि कब आपका नया फॉर्म स्टार्ट हो रहा, कब। तो कितनी संख्या में आपको गैदरिंग में वैकेंसियां मिल रही है। अतः भारतीय रेलवे में भी एक वैकेंसियों का बूम आया पड़ा है। उस बूम में आपको एक के बाद एक वैकेंसी मिल रही है। आज मैं वही वैकेंसी जो आपके नए लेकर के आ रहा हूं, और इसी क्रम में देखिएगा अभी हाल ही में रेलवे में जूनियर इंजीनियर की जो वैकेंसी आई है उसके बारे में विस्तार से एक एक चीज का आपको विस्तार से डिटेल बताऊंगा कि किस तरह से कहां से कैसे फॉर्म भरना है। अतः संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों, बने रहेगा, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया करो। देखिएगा मैं आपको बता देता हूं इसी क्रम में, तो वीडियो में आपको बता रहा हूं कि देखिएगा एक एक चीज का मैंने क्लियर किया है, आपको वही चीज में जिक्र करता हूं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सीएन सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस 03 तीसरे नंबर की वैकेंसी का जिक्र किया है। देखिएगा यहां पर अगर जिक्र करते हैं तो रेलवे जूनियर इंजीनियर्स एंड डीएमएस, ये सुपरिटेंडेंट वाली है, ये चेमस। देखिएगा यहाँ पर जो कंडीशन है, ये दोनों वैकेंसी आपके अलग है, बाकी आपके जूनियर इंजीनियर वाली वैकेंसी, अर्थात जो सर्वाधिक संख्या में जो मैक्सिमम वैकेंसी है वो अपने जेई की है, जूनियर इंजीनियर वाली। बात बताता हूँ दोस्तों, एक और कंडीशन आपके सामने है, वो है आरआरबी जोन वाइज वैकेंसी। प्रत्येक आरआरबी की मैंने जोन वाइज वैकेंसी का डिक्लेरेशन यहाँ दिया गया है, जिसका आप विस्तार से देख सकते हो। मैं एक एक चीज का बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आपको आज मैं एक एक चीज बारे में विस्तार से बताऊंगा, सब चीजों का जो भी मैंने यहाँ पर डाला हुआ इन सब के बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको आरआरबी वाइज कौन सा सिलेक्शन करना चाहिए और कितनी पोस्ट कहाँ की है, इन सब का मैं एक एक चीज विस्तार से आपको बता देता हूँ। देखिएगा सबसे पहले दोस्तों, इधर देखिएगा मैं बात करता हूं अहमदाबाद बोर्ड की। अगर अहमदाबाद बोर्ड की बात की जाए तो यहां टोटल वैकेंसी है 399। बात करते हैं 399 में यहाँ पर जो अनरिजर्व जो कंडीशन है वो है 225, ओबीसी वाली जो कंडीशन है वो है 86। देखिएगा इसके बाद बात करते थे एससी वाली जो कंडीशन अपने 58 और एसटी वाली है 30। देखिएगा यहाँ पर एक एक चीज का क्लियर मैं विस्तार से बता रहा हूँ, तो यहाँ उसी आधार पर आपको आकलन करना। अजमेर की बात करते हैं तो अजमेर में जो कंडीशन आती है आपके सामने वो कंडीशन है 825, इसके बाद अपने कंडीशन आती है 421, इसके बाद जो कंडीशन आती है यहाँ पर 222 और लास्ट में कंडीशन आती है 120 और लास्ट में आती है 62। अर्थात आप देख सकते हो यहां पर कैटेगरी वाइज मैंने आपका पूरा पूरा एक एक विस्तार से क्लियर कर दिया है। ये अजमेर की कंडीशन थी जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। यहां पर देखिएगा तीसरे नंबर पर अगर कंडीशंस क्लियर करते हैं तो कौन सा आता अपना इलाहाबाद, और इलाहाबाद की जो वैकेंसी है 1446। बात करते हैं यहां पर अनरिजर्व वालों की कंडीशन है 788, ओबीसी की है 341। ध्यान से देखिएगा मैं बात बता रहा हूं, यहां पर एससी वालों की 209 पोस्ट है और यहाँ पर एसटी वालों की 108 पोस्ट है। दोस्तों आगे देखिएगा भोपाल बोर्ड की बात करते हैं, टोटल 21 बोर्ड के बारे में विस्तार से बताऊंगा एक एक करके, ध्यान दीजिएगा। भोपाल बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 383 पोस्ट है जो कि इंजीनियर वाली है, जिसमें 186 अनरिजर्व है, और दूसरी बात करते हैं तो यहाँ जो कंडीशन है 106 पोस्ट जो कंडीशन है आपके भोपाल में वो है ओबीसी वालों की, 59 पोस्ट जो है एसटी वालों की, और यहाँ पर 32 पोस्ट जो आपके एसटी वालों की है, इसके बारे में विस्तार से बता रहा हूं आपको। ध्यान से देखिएगा यहां पर 5 नंबर पे बेंगलुरु की बात करता हूं मैं, किसकी, बेंगलोर कंडीशंस की। तो बेंगलोर वाली जो अपने आरआरबी है उसके बारे में बात कर रहा हूं, तो बेंगलोर की जो कंडीशंस है वो 708 पोस्ट टोटल, और टोटल 708 पोस्टों में से अनरिजर्व के वालों की है 365 पोस्ट, और ओबीसी वालों की 185 पोस्ट, और एससी वालों की 110 पोस्ट, और एसटी वालों की 48 पोस्ट है। दोस्तों एक एक चीज को क्लियर कर लेना है। लास्ट में अपन चलते हैं देखिएगा भुवनेश्वर बोर्ड की ओर, और भुवनेश्वर बोर्ड में देखते हैं तो 242 पोस्ट टोटल, और 242 में से यहाँ जिक्र करते हैं तो 108 जो आपके अनरिजर्व वालों की है। देखिएगा इसके बाद बात करते हैं 69 जो पोस्ट अपने किसके, ओबीसी वालों की 42 पोस्ट, एससी वालों की और एसटी वालों की 23 पोस्ट है। ये कंडीशंस आपके, मैं एक एक चीज का विस्तार से बता रहा हूं। आगे चलते हैं अपन बिलासपुर बोर्ड की बात करते हैं, तो यहाँ बिलासपुर में 404 पोस्ट हैं, और उसमें से 220 पोस्ट जो है अनरिजर्व की है, और 87 पोस्ट आपके ओबीसी की है, और आपके 55 पोस्ट एससी की है, 41 पोस्ट एसटी की है।
ये कंडीशन सर आपके सामने जो देख सकते हो दोस्तों। आगे बात करता हूँ इसी क्रम में, तो यहाँ पर आता है चंडीगढ़ बोर्ड, और चंडीगढ़ बोर्ड की बात देखते हैं तो 900 पोस्ट जो है टोटल है, 900 में से 526 पोस्ट जो है अंग्रेजर वाली है, 266 पोस्ट जो है आपकी ओबीसी की है, 131 पोस्ट एससी की है और 73 पोस्ट एसटी की है। ये टोटल कैटेगरीज वाइज मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका आता है देखिएगा चेन्नई बोर्ड, और चेन्नई की बात करते हैं तो दोस्तों कितना आता है, 1183 पोस्ट है टोटल, 1183 पोस्टों में से अनरिजर्व वाली है 625 पोस्ट, और यहाँ पर ओबीसी वाली है 251 पोस्ट, ध्यान दीजिएगा 251 पोस्ट। और इसके बाद बात करते हैं तो 173 पोस्ट जो है आपके एससी वाली है, इसके बाद बात करते हैं तो 54 पोस्ट आपका एसटी वाली है। देखिएगा एक एक चीज को मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपका 10वें नंबर बोर्ड पे चलते हैं तो गोरखपुर बोर्ड आता है, और गोरखपुर में आपके 645 पोस्ट है दोस्तों, गोरखपुर में आपके 645 पोस्ट है, और 645 की बात करते हैं तो 645 में से आपके अनरिजर्व वालों की जो बात करते हैं तो वह 336 पोस्ट है, ओबीसी वालों की बात करते हैं तो 165 पोस्ट है, और आपके एससी वालों की बात करते हैं तो 97, और एसटी वालों की बात करते हैं तो 45 पोस्ट है। ये है पोस्टों का डिक्लेरेशन अलग अलग करके। देखिए नेक्स्ट स्टेप पर अपन बात करते हैं गुवाहाटी बोर्ड की, और गुवाहाटी बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर 586 पोस्ट है टोटल, और 586 से 306 अनरिजर्व वालों की दोस्तों, और इसके बाद में 115 जो आपकी कंडीशन है ओबीसी वालों की, और एससी वालों की जो है 81 पोस्ट है, और एसटी वालों की जो आपके 43 पोस्ट है 43। अच्छा एक एक चीज को मैं क्लियर बता रहा हूं। गुवाहाटी के बाद चलते हैं अपन जम्मू एंड श्रीनगर पोस्ट बोर्ड वाला, जम्मू और श्रीनगर की बोर्ड की बात करते हैं दोस्तों, तो जम्मू और श्रीनगर की टोटल पोस्ट है 460 पोस्ट, और यहां पर इसमें ओबीसी वालों की है 237 पोस्ट। इसके बाद में आपके देखिएगा ओबीसी वालों की बात करते हैं तो देखिएगा यहाँ टोटल की बात की मैंने, इसके बाद देखिएगा अनरिजर्व वालों की 237 और ओबीसी वालों की 119 पोस्ट और एससी वालों की 65 पोस्ट, और यहाँ पर जो है 37 पोस्ट एसटी वालों की है। एक एक चीज को क्लियर बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट कंडीशन पर अपन चलते हैं कोलकाता बोर्ड की, किसकी बात करते हैं कोलकाता बोर्ड की, और कोलकाता बोर्ड की बात करते हैं तो इसमें जो है 1519 टोटल पोस्ट हैं, और 1519 में से 780 अनरिजर्व है। अब तो बात करते हैं नेक्स्ट 416 ओबीसी की है, 416 ओबीसी की है, 211 एससी की है और 112 एसटी की है। ये टोटल कोलकाता बोर्ड की पोस्ट थी। आगे चलते हैं इसी क्रम में मालदा बोर्ड की, और मालदा बोर्ड की बात करते हैं तो मालदा बोर्ड की जो है 248 पोस्ट टोटल है, और 248 में से 137 पोस्ट अनरिजर्व है, 45 पोस्ट ओबीसी वालों की है और 46 पोस्ट एससी वालों की है और 20 पोस्ट एसटी वालों की है। ये कंडीशंस आपके मालदा बोर्ड में रही दोस्तों। इसके बात करता हूं मैं तो आपके आता है मुंबई बोर्ड, और मुंबई बोर्ड में आपके बता देना चाहता हूं कि 1544 पोस्ट है, 1544 टोटल पोस्ट है, 1544 से 816 पोस्ट अनरिजर्व है, उसके बाद 392 पोस्ट ओबीसी वालों की है, 206 पोस्ट एससी वालों की है और 130 पोस्ट एसटी वालों की है। ये कंडीशन है। लास्ट में देखिए आगे अपन देखते हैं मुजफ्फर बोर्ड को, मुजफ्फर में बात करते हैं तो 114 पोस्ट है टोटल, 114 पोस्टों में अपन बात करते हैं तो अनरिजर्व है 64, कितनी 64, और यहाँ पर बात करते हैं ओबीसी वालों की 28 है 28, और यहाँ एससी वालों की 16 है, और यहाँ पर एसटी वालों की 6 पोस्ट है। ये मुजफ्फर बोर्ड का था। इसके बाद बताऊं दोस्तों तो आपके सामने जो है नेक्स्ट पटना बोर्ड, और पटना बोर्ड की बात करता हूं तो इसमें आता है 299 पोस्ट, और 299 में से 143 पोस्ट किसकी है अनरिजर्व वालों की, 75 पोस्ट किसकी है ओबीसी वालों की, और 57 पोस्ट किसकी है यहाँ पर एससी वालों की, और 24 पोस्ट किसकी है एसटी वालों की। ये कंडीशन पटना बोर्ड की रही है। पटना के बाद आते हैं अपन दोस्तों तो पहुंच जाते हैं रांची बोर्ड को, और रांची बोर्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 365 पोस्ट है इंजीनियर वाली, और बात बताता हूँ ये सारी जो पोस्ट है ये जूनियर इंजीनियर की है, मैं बात बता रहा हूँ इसी में। तो रांची बोर्ड की 365 है, 365 में से यहाँ पर ओबीसी वालों की 163 पोस्ट है, और यहाँ जो बात करते हैं तो किसकी ओबीसी, देखिएगा अनरिजर्व वालों की 163 है, और ओबीसी वालों की जो है आपके 91 है, और एससी वालों की 58 है, और यहां पर एससी एसटी वालों की जो है 23 पोस्ट है। ये कंडीशंस है।
अच्छा बात बताता हूँ यार, रांची के बाद आता आपका सिकंदराबाद, और सिकंदराबाद की बात करते हैं दोस्तों तो टोटल 789 टोटल कॉस्ट है, मतलब 700। देखिएगा यहाँ जो कंडीशन है, आपको मैं एक एक बात बता रहा हूँ सिकंदराबाद बोर्ड के बारे में। तो इसमें से जो है आपको अनरिजर्व वालों की अगर कंडीशन से बात करते हैं तो कितना आता है, 434 आ जाता है। इसके बाद में ओबीसी 178 जो पोस्ट है ओबीसी की है इसमें, और 112 पोस्ट जो आपके एससी की है, और 65 पोस्ट आपके एसटी की है। किसमें बात की अपने, यहाँ पर सिकंदराबाद बोर्ड की बात की। सिकंदराबाद बोर्ड के बाद माता तो सिलीगुड़ी आ जाता है, और सिलीगुड़ी जो बोर्ड में है वो है 195 पोस्ट, वो है 195 पोस्ट। और 195 पोस्ट की बात करता हूँ दोस्तों तो गौर से देखिएगा, यहाँ जो टोटल है इसमें से अनरिजर्व वालों की 58 पोस्ट है, 54 जो है ओबीसी वालों की है, एससी वालों की 30 है, और एसटी वालों की 13 पोस्ट है। ये एक एक चीज पर मैं निशान लगाते हुए बता रहा आपको। लास्ट में और एंड में एक और बोर्ड है जिसका नाम है तिरुवंतपुरम, और तिरुवंतपुरम की बात करते तो यहाँ 136 इंजीनियर वाली पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर की, उसमें से 75 अनरिजर्व वालों की है, 22 ओबीसी वालों की है, 22 एससी वालों की है, और 9 एसटी वालों की। ये कंडीशंस आपकी है दोस्तों, मैंने एक एक करके यहाँ तक पूरा डिटेल बताया है जिसमें आप देख रहे होंगे कि कैसी स्टेप आपके साथ बन रही है। इस सारे के सारे बोर्ड जितने भी है, इन सभी बोर्ड में देखिएगा टोटल पोस्टों का अगर आकलन करते हैं तो आप गौर से देख लीजिए, सारे के सारे टोटल पोस्ट हैं। और इन टोटल पोस्टों में आप देखो ऊपर से नीचे तक ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पर जो कंडीशंस है, मुंबई बोर्ड और कोलकाता बोर्ड, देखिएगा ध्यान से, मुंबई बोर्ड और कोलकाता बोर्ड, और यहां पर आता है इलाहाबाद बोर्ड, मुंबई बोर्ड, कोलकाता बोर्ड और इलाहाबाद बोर्ड यहाँ पर, और एक और है जिसका नाम है चेन्नई बोर्ड। ये है आपके टॉप में, ये है आपके टॉप में जिनमें सर्वाधिक वैकेंसी है। तो सबसे टॉप नंबर पे आपका स्थान आता है मुंबई, उसी क्रम में अपन देख सकते हैं यहाँ पर कोलकाता, उसी क्रम में देख सकते हो इलाहाबाद, और यहाँ लास्ट में आता है चेन्नई। ये सर्वाधिक पोस्ट वाले बोर्ड है, मैं इन्हीं पर निशान लगाया हूं। कई चीजें आपके काम आएगी आगे कि यह कहां से बोर्ड का चयन करोगे तो ऐसा आपके सामने क्लियर हो जाएगा। अब आपके सामने एक और विकराल स्थिति की, सबसे कम पोस्ट कहां की है, तो इस पर एक नजर मार लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा टोटल पोस्ट हैं। इस टोटल पोस्ट पर एक नजर मारते तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि इधर देखिए मुजफ्फरपुर बोर्ड में जो है आपके सबसे कम पोस्ट है, उसी के समकक्ष देखिएगा यहाँ पर लगभग क्या तिरुवंतपुरम में भी यही है। तो देखिएगा पहला स्थान इसका हो गया, तो दूसरा स्थान इस पर हो गया। देखिएगा नजर मारी ऊपर से नीचे तक तो आपको एक नजरिया दिख जाता तो यहाँ आकर के फिर रुक जाते हो। और 195 जो है सिलीगुड़ी का है, इसका मतलब ये आपके दो तीन जो है आपके बोर्ड, मुजफ्फरपुर है, यहाँ पर तिरुवंतपुरम है, सिलीगुड़ी है, इनकी सबसे कम पोस्ट हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। अब पोस्टों का चयन तो आपने बता दिया कि किस कितने किसकी पोस्ट है, मैंने कैटेगरी वाइज और टोटल पोस्टों का जिक्र कर दिया, जूनियर इंजीनियर वाली पोस्टों का किया है, लेकिन यहाँ लिखा मैंने देखिए गौर से, यहाँ पर लिखा टोटल आरआरबी जोन मतलब बोर्ड, और बोर्ड वाइज जो भी वैकेंसी है, आरआरबी बोर्ड वाइज जो भी वैकेंसी है, उन सभी का जिक्र कर रहा हूं मैं। तो टोटल जो है 21 बोर्ड है, और 21 बोर्ड का मैंने विस्तार से जिक्र किया है, आपको बताया है, आप आराम से स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको देख सकते हो जिससे कि कोई असुविधा आपको नहीं होगी। अतः दोस्तों मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि आगे कैसी स्टेप आएगी। अब देखिएगा आपको पूरा कि किससे भरना कैसे करना, इसके लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ कि यहाँ टोटल जो वैकेंसी है इंजीनियर वाली वो है आपके देखिएगा यहाँ पर 13,487 13,487 टोटल पोस्ट है। यहाँ देखिएगा ये इंजीनियर वाली पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर वाली। इसके बाद बात करता हूँ तो अनरिजर्व वाली है दोस्तों 7,073 पोस्ट, मतलब अनरिजर्व वाली जिसमें कोई भी भर सकता तो वह 7,073 पोस्ट है। ओबीसी वाली जो पोस्ट है वो है 3,403 पोस्ट 3,403 पोस्ट, और यहाँ पर बात करते हैं तो एसटी वाली है 1,958 पोस्ट, और एसटी वाली है 1,048 पोस्ट। ये कंडीशन आपको
ध्यान रखना ना है। देखना एक एक चीज का मैंने क्लियर बताया, और इन सभी का योग करते हैं तो ये आपको प्राप्त होती है 13,487 पोस्ट। अतः पोस्ट टोटल की जो संख्या है वो ये है। इसमें RRB घटा बढ़ा सकती है, अतः इसको जो है ये तो अभी जो RRB ने डाला था 29 तारीख वाला वही मैंने आपको यहाँ पर फेस कर रहा हूँ, उसी में से कर रहा हूँ। कुछ घटाया बढ़ाया जो भी है RRB कर सकती है, तो अभी रुकिएगा कुछ दिन, 2-4 दिन, 1 वीक के लिए, तब तक जो भी RRB को करना फाइनल लुकआउट दे देगी, जिससे कि प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि RRB पर भी दबाव है वैकेंसियों का, कि एक के बाद एक वैकेंसी आती रहेगी। और मैं आपसे अपेक्षा के साथ कह सकता हूँ कि इस बार स्टेशन मास्टर और गुड्स गार्ड की वैकेंसी फिर से लौट करके आ सकती है, पूरी पूरी संभावना है। देखिएगा आगे बात करते हैं, मैं अगर वैकेंसियों का जिक्र करता हूँ तो टोटल वैकेंसी पर बताते हैं। टोटल वैकेंसी जूनियर इंजीनियर वाली है अपने पास में 13,487 पोस्ट, जो यहाँ से उठा करके अपन ने यहाँ रख दी दोस्त, 13,487 पोस्ट जो यहाँ से उठा करके यहाँ रख दी दोस्त। आप क्लियर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कैसे स्टेप आपके साथ बनती है। इसके बाद बात करते हैं तो यहाँ पर आता है एक्स सर्विसमैन। देखिएगा उनका अलग से रिजर्व कोटा होता है, उसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते, मतलब आप लोग नहीं फॉर्म भर सकते इन पोस्टों के लिए। जो आपका एक्स सर्विसमैन होते हैं वही इसमें आवेदन कर सकते हैं। उनकी है 1,254 पोस्ट दोस्तों, याद बताता हूँ। एक होता है PH, मतलब होता है फिजिकली हैंडीकैप्ड, जो भी अभ्यर्थी होते हैं वही भर पाते हैं। उसमें अलग अलग प्रकार के अलग अलग पोस्ट होती है, उसी आधार पर वो भर पाते हैं। और इसमें आप फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले जो भी है उनकी पोस्टें हैं अपने 340 से। और टोटल अगर पोस्टों का यहाँ पर आकलन किया जाए, इन सबको जोड़ा जाए तो कितना होता है, 15,000 इंक्राउंड पोस्ट टोटल होती है, जिसमें ज्यादातर आपके जिसका जो जिक्र किया गया सभी जगह, वो किसका किया गया, 13,487 पोस्टों का जो जिक्र किया गया सभी जगह, सभी YouTube चैनल पर भी आपके जो जिक्र किया गया है यहाँ पर 13,487 का किया गया है। लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ, ये एक्स सर्विसमैन वाली भी है जिसमें आप नहीं भर सकते, तो आपके भाई बंधु, आपके मित्र, आपके दोस्त परिवार तो होंगे कोई न कोई, उसमें जो है एक्स सर्विसमैन वाला जो भी जिसने भी अपने देश की सेवा की है वो बंदा भर सकता है, जो रिटायरमेंट के बाद भरता है, याद रखिएगा। उसके लिए एक एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ, जो बंदे फिजिकली हैंडीकैप्ड है वो किसी से अलग 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 प्रकार के हैं, तो वो 340 लड़के हैं ऐसे जो लेने हैं RRB को, तो वो अलग अलग बोर्ड से मैंने बता दिया। टोटल आपके 15,000 वैकेंसी दोस्त, कितनी 15,000 पोस्ट है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जानिए फॉर्म क्या, देखिए जानिए कौन कौन से फॉर्म भर सकते हैं, कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, मतलब यूं है प्रश्न कि कौन कौन इस वैकेंसी में फॉर्म भर सकता है, इसकी योग्यता क्या है, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या निर्धारित की गई है। दोस्तों गौर से देखिएगा, बात बता देता हूँ कि इसके लिए जो है एक सबसे मोस्टली बात बताता हूँ, जिसने भी चाहे कोई भी ब्रांच रही हो, डिप्लोमा कर रखा हो, जिसने चाहे कोई भी ब्रांच रही हो, डिप्लोमा कर रहा कर किया हुआ हो, चाहे ब्रांच उसके सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, या अदर और कोई भी ब्रांच रही हो, सभी ने जिसने भी डिप्लोमा कर रखा हो या डिग्री कर रखी हो, जैसे बीटेक या बीई जो भी कर रखा हो, वो सभी इन सभी पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जिन्होंने BSc कर रखी है वो बंदे भी फॉर्म भर सकते हैं, याद रखिएगा। जिन्होंने BSc कर रखी है वो बंदे भी कुछ पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हैं, जैसे कि ये पोस्ट आपके देखेगा यहाँ DMS वाली और CMS वाली, यहाँ पर केमिकल वाले भी कुछ फॉर्म भर सकते हैं, कुछ पोस्टों के लिए ध्यान होगा। लेकिन लगभग जो मोस्टली पोस्टें हैं, अर्थात ये सारी पोस्टें 13,487, उन सभी के लिए डिप्लोमा डिग्री वाले ही फॉर्म भर सकते हैं, वो भी टेक्निकल क्लियर होना चाहिए, टेक्निकल में पास आउट क्लियर होना चाहिए, पासिंग होना चाहिए। जो रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, वो दोस्त फॉर्म नहीं भर सकते, अतः रिजल्ट के इंतजार करने वालों को अभी मौका RRB ने नहीं दिया गया है, वो नेक्स्ट चांस का इंतजार में रहे। अतः ध्यान दीजिएगा, जो ITI कर रखे हैं चाहे कोई भी ट्रेड का हो, वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकता। इसका मतलब केवल यहाँ ध्यान रखिएगा, डिप्लोमा और डिग्री ये दोनों ही चीज जो जिसने भी टेक्निकल में क्लियर की हुई है, वो सारे ही चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त कॉलेज होना चाहिए, वो सभी स्टूडेंट जिन्होंने कर रखा है डिप्लोमा डिग्री, वो फॉर्म भर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई है, ITI वाले फॉर्म नहीं भर सकते, क्योंकि क्वेश्चंस बार बार आप पूछोगे, इसलिए मैं आपको बता दिया। देखिए
किस जोन से चयन करें कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, किस बोर्ड का सिलेक्शन चयन करें, फॉर्म भरे कि आपका सिलेक्शन श्योर हो जाए, इसके लिए कुछ पैमाने मैंने निर्धारित किए गए हैं, इसके लिए कुछ पैमाने मैंने निर्धारित किए गए हैं, उनको देखना पड़ेगा दोस्तों, देखते रहेगा लास्ट तक, क्योंकि आप लगातार प्रयास करोगे तो यकीन मानिए सफल हो जाओगे, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, लक्ष्य डर के नौका पार नहीं होती, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चढ़ती है तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में सांस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना नहीं खड़ता है, आखिर मेहनत तो उस चींटी की बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, यकीन मानिए आपकी भी नहीं होगी, है ना। डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगातार जाजा के खाली हाथ लौट आता है, मिलते नहीं सहजी मोती गहरे पानी में, बढ़ता उत्साह दुगना इसी हैरानी में, मुट्ठी उनकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वाले की दोस्तों हार नहीं होती, इसीलिए बोल रहा हूं आपको, तो आपकी कभी भी हार नहीं होगी, है ना। निराश नहीं होना, क्योंकि कहते हैं ना असफलता एक चुनौती, स्वीकार करो क्या कमी रहेगी, देखो और सुधार करो, जब तक सफल न हो तुम नींद चैन को त्यागो, तुम संघर्षों का मैदान छोड़ के नहीं भागो, तुम कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, देखते रहेगा। मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, कम मेरिट वाले संभावना आप किस बोर्ड का चयन करें, तो वो बोर्ड के चयन के लिए आपको ध्यान देना है कि एक चीज तो आपको क्लियर हो जानी है कि फॉर्म कब भरोगे, कब से भरोगे, तो यहाँ फॉर्म भरने के लिए मैंने 2 जनवरी 2019 आपके सामने रखे हैं, क्योंकि आरआरबी ने जो स्टार्टिंग डेट रखी है वो क्रिकेट 2 जनवरी से, जिसका आपको मैं बता रहा हूँ, तो 2 जनवरी से आप फॉर्म भर सकते हो, और फॉर्म भरने की लास्ट डेट अपने पास में 31 तारीख 2019, 31 जनवरी 2019 लास्ट डेट है, तो यहाँ पर प्रारंभिक डेट एंड लास्ट डेट, स्टार्ट एंड एंड, दो कंडीशन आपके सामने मैंने बता दी है, ये आरआरबी के अनुसार अभी तक निर्धारित है। बात और बताता हूँ कि जोन और बोर्ड का चयन कहाँ से करें, इस चीज को देखने के लास्ट तक बने रहेगा, बहुत काम की चीजें आएगी दोस्तों, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखिएगा, यहाँ पर कम मेरिट मेरिट की संभावना वाले बोर्ड या आरआरबी या जोन के पैमाने क्या क्या है, कि किस बोर्ड की मेरिट कम जाएगी, सर उसी से मैं भरूंगा, उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। दोस्तों सबका सिलेक्शन होगा जो भी मेहनत करते हैं उनका, इसीलिए आपको आपका कल्याण नहीं सभी का देखना है, और सभी के लिए कुछ यहाँ पर पैमाने मैंने माने हैं कि इस आधार पर उस बोर्ड की यहाँ पर क्या है मेरिट कम जा सकती है। मैंने इससे पहले आपको ध्यान हो तो एक और वीडियो बनाया था जो लोकोपाइट में, उसमें आपको क्लियर कहा था, तो वो सारी की सारी बातें साबित हुई है, और जिन्होंने जिस आधार पर मेरा आधार पर जो है फॉर्म भरा है तो उनको सक्षमता मिली, सफल भी हुए हैं वो स्टूडेंट, और उन्होंने जो है लोकोपाइट में क्लियर भी किया है, आज जो है लोकोपाइट में वो CBT 1 क्लियर, CBT 2 की तैयारी कर भी रहे हैं मेरे साथ में। बात और बता देना चाहता हूं आगे, तो पहली कंडीशन से वहां से मेरिट कम जाएगी जिस बोर्ड, जिस नक्सली क्षेत्र वाले बोर्ड में, अर्थात जो ऐसे कई बोर्ड है, 2-4 बोर्ड अपने यहाँ 21 में से, जिसमें नक्सली एरिया आता है, जहां पर पढ़ाई का प्रभाव बहुत कम है, या जहां लोग जाना नहीं चाहते हैं, जहां लोग जाना नहीं चाहते, क्यों, क्योंकि नक्सलियों के डर से लोग जाना नहीं चाहते हैं, ऐसी कंडीशन आप लोगों के सामने होती है, इसीलिए वहां की मेरिट हो सकता है कि कम जाए, तो उस बोर्ड का चयन करें जहां पर नक्सली एरिया है। अगर आपको नौकरी ही चाहिए तो, और आपकी अच्छी तैयारी है, तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं, आप अपने नजदीक वाले बोर्ड से फॉर्म भर सकते हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। दूसरे स्टेप में जिस बोर्ड में ड्यूटी कठिन हो, ऐसे कई बोर्ड है जहां हिल्स एरिया है, पहाड़ों के बीच में ट्रेन चलाना पड़ता है, कई किलोमीटर तक आगे पीछे कुछ नहीं होता है, ऐसे स्टेप वाले एरियो के लिए जहां पर क्या कठिनाई भरी होती है, दुर्लभ एरिया होते हैं, उनमें ड्यूटी कठिन हो, तो उन जो है इनमें से 5-7 बोर्ड ऐसे हैं जहां पर कठिन परिस्थितियां होती है, उनका चयन करोगे तो वहां पर कम लड़के फॉर्म भरते हैं, हो सकता है कि कम लड़के फॉर्म भरे तो आपकी मेरिट कम जाए, जिससे आपका सिलेक्शन हो जाए, ये दूसरी वजह मैंने आपको बताई। दोस्तों अभी बने रहेगा, मैं आपको तीसरी वजह भी बता देता हूं। तीसरी वजह क्या है, जिस बोर्ड वाले राज्य में टेक्निकल कॉलेज कम हो, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले लोकोपाइट वाले वीडियो में बताया था कि यहां पर सिलीगुड़ी में जो है आईटीआई डिप्लोमा डिग्री कॉलेज ही नहीं, अभी तक भी लगभग नील बराबर नील है, अतः इस स्टेप को देखते हुए वहां पर जब ये कॉलेज कम है तो नेचुरली बात है कि वहां टेक्निकल की मेरिट कम भी जाएगी, और इसी परिस्थिति को देखते हुए आपको ध्यान होगा, तो इसलिए कई है, इसके अलावा भी मैंने एग्जांपल के तौर पर बताए हैं जहां पर क्या है कॉलेज की संख्या कम है तो वहां से फॉर्म भर सकते हो, जहां पर टेक्निकल कॉलेज कम है तो वहां से फॉर्म भर सकते हो, तो वहां क्या की मेरिट कम जाने की संभावना है। एक और बात बताऊं अगला, देखिए जिस राज्य में पढ़ाई का स्तर कमजोर
हो। जैसे कई राज्य जहाँ पर पढ़ाई का स्तर लो लेवल होता है, इस वजह से वहाँ के अभ्यर्थी इसको क्लियर नहीं कर पाते हैं, तो दूसरे स्टेट वाले वहाँ जाकर प्रभावबली हो जाते हैं, उन पर हावी हो जाते हैं, अर्थात वो उससे ज्यादा नंबर ला करके मेरिट में चयन कर लेते, सिलेक्शन हो जाता। तो पढ़ाई का स्तर कमजोर हो, ऐसे कई ही राज्य हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, जिस बोर्ड में रेलवे भर्ती भर्ती के प्रति प्रति कम जागरूकता हो, अर्थात जिज्ञासा कम हो कि नहीं रेलवे में भी इतनी भर्तियां निकलती, वो भी गैदरिंग में निकलती, वो भी लाखों की संख्या में निकलती है, हजारों की संख्या में निकलती है, ये जो जागरूकता नहीं है, मतलब स्टेट गवर्नमेंट वाली भर्तियों की तो जागरूकता है लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट वाली भर्तियों की जागरूकता नहीं है, इन सभी को देखते हुए आपको बता देना चाहता हूँ कि इस तरह के जो राज्य हैं पिछड़े हुए, वहां पर कम जाने की संभावना है। ऐसे कई राज्य हैं, आप भी जानते हो, यह आकलन और अवलोकन आपको ही करना है कि किस राज्य में इनकी भर्ती बोर्डों की जो संख्या है वो उसमें जागरूकता कम है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप कई राज्य हैं, लेकिन जैसे बिहार आपके पढ़ाई में पिछड़ा होने के बावजूद भी वहां पर रेलवे के प्रति ज्यादा जागरूकता है, यूपी में है ज्यादा जागरूकता है, लेकिन एमपी में और कई ऐसे राज्य है जहां पर पढ़ाई का स्तर भी कम और यहाँ पर जागरूकता भी कम है। तो देखिए दोस्तों, वहां स्टेट गवर्नमेंट की भर्तियों की ज्यादा जागरूकता होती है। नेक्स्ट स्टेप पे देखिएगा तो जिस बोर्ड में पदों की संख्या अपनी ब्रांच की अधिक हो, यहाँ ब्रांच वाइज का देखो जिक्र करना बाकी रह गया है, यहाँ ब्रांच वाइज का जिक्र करना बाकी रह गया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, यहाँ पर ब्रांच वाइज का जिक्र करना बाकी रह गया है। दोस्त, ब्रांच का भी जिक्र मैं जरूर करूंगा, लेकिन इसमें नहीं, इसके बाद वाले वीडियो में आप इंतजार कीजिएगा, क्योंकि अभी हाल में मैंने ब्रांच का इसलिए डाला क्योंकि मेरे को पता जहां तक आरआरबी पोस्टों को घटा बढ़ा सकती है और ये पूरी पूरी तैयारी है। अतः क्योंकि कुछ दिन बाद में, 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन के बाद में आरआरबी कुछ पोस्टों को कम ज्यादा कर सकती है, अतः कम ज्यादा करने की वजह से फिर से दो दो बार बनाना पड़ेगा, तो सो एक ही बार में इसमें ही आपके उसमें ऐड कर दूंगा, 1 वीक के अंदर अंदर आपके पूरा पूरा ब्रांच वाइज वीडियो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। अतः बने रहेगा, जुड़े रहेगा मेरे साथ में, तो आपको ब्रांच वाइज भी वीडियो मिल जाएगा कि किसमें आपके किस ब्रांच की पोस्टें अधिक है, तो वहां भी मेरिट कम जाने की पूरी संभावना रहती है। नेक्स्ट में आता है लोकोपाइट की भर्ती के मेरिट के अनुसार भी अनुमान लगा सकते हो आप कि लोकोपाइट की भर्ती में कहाँ की मेरिट कम गई, कहाँ की ज्यादा गई, उसके आधार पर भी आप आकलन लगा सकते हो कि सर जो है कि वहां की मेरिट कम गई तो वहां फॉर्म भरेंगे तो शायद वहां पर अधिक चांसेस होंगे। तो ये सारे सारे मैंने रेलवे भर्ती के जो है आपके कि कौन सा चयन करोगे उसके कारण लिखे हैं, इस आधार पर आप अपना बोर्ड का जोन का चयन कर सकते हो। ये बात आपको क्लियर और स्पष्ट हुई है। लेकिन अभी मैंने लास्ट पॉइंट जो बोला है, यहाँ लिखा है लोकोपाइड की भर्ती के मेरिट के अनुसार, अब आपको ये ज्ञात होना चाहिए कि किस लोकोपाइड में किस बोर्ड की मेरिट सर्वाधिक गई है और किस बोर्ड की मेरिट सबसे गई है। तो मैं आपको बताता हूँ टॉप फोर जिनकी मेरिट सर्वाधिक गई है वो आपको देखिएगा। टॉप फोर की बात करते हैं तो टॉप फोर में सबसे पहले आता है भोपाल में बात करते हैं तो याद हो आपको, तो यहाँ पर कंडीशन याद करते हैं तो भोपाल की जो कंडीशन है वो 1,18,153 लड़के यहाँ पास किए गए हैं और पोस्ट थी 2,947, अगर इनका इसमें जो है भाग देने पर 40 गुना लड़के पास होते हैं जो कि सर्वाधिक टॉप पोस्ट पे रहा, इसका मतलब इसकी मेरिट सर्वाधिक जाएगी। ये कंडीशन आपकी भोपाल की हो गई है। इसके बाद बात बताऊं तो अजमेर वाले की भी कंडीशन होती है, अजमेर वाले कंडीशन में देखिएगा यहाँ पर बात करते हैं तो 87,169 जो लड़के इन्होंने पास किए हैं और 3,086 पोस्ट थी जो कि आपके 28 गुना लड़के होते हैं। देखिएगा तीसरे नंबर के बाद चौथे नंबर की बात करता हूं तो इलाहाबाद बोर्ड की बात करता हूं तो 1,97,784 लड़के इसमें कंडीशन से अप्लाइड हुए हैं। इलाहाबाद बोर्ड की बात करता हूं तो कितने, ध्यान से देखिएगा इस कंडीशन को, एक एक चीज को फॉलो करते हुए आपको देखना है कि इलाहाबाद बोर्ड की जो कंडीशन है वो क्या है। देखिएगा यहाँ पर ये जो है आपके कितने हैं उसमें देख सकते हैं और उसमें यहाँ पर जो गुना हुए कितने, 26 गुना लड़के पास हुए हैं। सिकंदराबाद की बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए 1,48,030 लड़के जो है वो 5,817 वैकेंसी थी जो कि 25 गुना हुए हैं। दोस्तों ये टॉप में रहे हैं, ये टॉप में रहे हैं अर्थात इनकी मेरिट सर्वाधिक गई है, पहला स्थान टॉप किया है भोपाल वालों ने जहाँ की मेरिट आपको पता है ज्यादा जमाते हैं क्योंकि इतने गुना लड़के पास किए हैं तो सारे
सारे होशियार और ब्रिलियंट लड़के हैं, तो यहाँ की मेरिट अधिक जाना तय है, श्योर है, नेचुरल नेचुरल है। देखिएगा मैं और बात बताता हूँ, आप कम किन किन की गई है उनके बारे में अगर जिक्र करें तो दोस्तों देख सकते हुए एक एक चीज, तो कम के बारे में अगर देखना है तो क्या कंडीशंस रहेगी, तो सबसे पहले आएगा सिलीगुड़ी। सिलीगुड़ी की बात करते हैं तो यहाँ देखिएगा जो लड़के पास किए हैं वो है 9331, यहाँ पर पोस्ट थी 875 और इसका इसमें डिवाइडेशन करने पर यहाँ पर 10.66 गुना लड़के पास हुए हैं, याद आपको तो कंडीशन देखिएगा। आगे जम्मू एंड श्रीनगर की बात करता हूँ तो यहाँ आता है 10,838 लड़के जो कि यहाँ पर भाग देने पर 9,933, देखिए यहाँ पर 983 का भाग दिया तो अपन को प्राप्त होता है 11 गुना, अतः इतनी पोस्टें थी और इतनी गुना इन्होंने पास किए हैं। तो दो कंडीशंस आपके सामने होती है, प्रथम और दूसरा। इसके बाद तीसरा एक और आता है जनाब कोलकाता वाला, तो यहाँ की जो कंडीशंस है इसमें पोस्टें थी जो किए थी 5,477 और पास किए हैं यहाँ पर 67,577, इसका इसमें भाग दिया तो लगभग 12 गुना अपन को प्राप्त हो गया, और 12 गुना प्राप्त हो गया तो इसका मतलब ये टॉप लो कंडीशंस में रही है की मेरिट सबसे कम जाएगी, ये संभावना पूरी तय है, ये संभावना पूरी तय है। और इसी बेस पर आप देख सकते हो तो CBT 1 की मेरिट के आधार पर एक और मैंने अतिरिक्त आपके लिखा है बिलासपुर, जिसको अलग रंग से लिखा है। इसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोकोपाइट की मेरिट का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बिलासपुर का भी जिक्र किया था, तो बिलासपुर जो है मेरिट का जब बनाया था तो बिलासपुर में मैंने यहाँ जो कंडीशन थी कुछ उसमें जो है ना आपके जो पुरानी वाली जो 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 पोस्ट निकली थी वो गलती से डल गई थी, उसका डिवाइडेशन करने पर जो है यहाँ मेरिट कम आई थी। तो उन बंदों को बता देता हूँ कि बिलासपुर में यहाँ पर 48,801 लड़के पास किए हैं और उसमें देखिएगा यहाँ जो पोस्ट थी 2,398 पोस्ट और इसका इसमें भाग देने पर यहाँ जो प्राप्त होता 20.23 गुना लड़के पास किए हैं। अतः बिलासपुर वाले जो लड़के बोल रहे थे प्लीज देख लीजिएगा, आपका मैंने यहाँ सॉल्यूशन दे दिया है, मैंने बोला था नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, चिंता ना करें, क्योंकि उसमें इसका थोड़ा सा करेक्शन हो गया था। तो प्लीज देख लीजिएगा बिलासपुर का ये मेरिट रहेगा 20.23 और यहाँ पर मैं आपको यही चीज बता रहा हूँ। तो सारी की सारी अब आपके देखिएगा मेरिट का क्या स्टेप रहेगा, ये चीज आपको क्लियर करना है। देखिएगा जैसे ही CBT 1 एग्जाम होगा तो इसमें जैसे लोकोपाइट के लिए किए था 15 गुना पास, ऐसे ही यहाँ पर 15 गुना लड़के पास करेंगे, कितने गुना 15 गुना का दिया हुआ, अब 15 से ज्यादा भी कर सकते हैं, 15 जो है मल्टीपल ज्यादा इससे भी ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन जो कंडीशन आपके सामने कितनी 15 गुना का तो क्लियर कर दिया आरआरबी ने। अब इसकी तरह जरूरी नहीं है यहाँ पर लोकोपाइट की जगह 40, 30 और 25, मतलब आप समझ गए ना, यहाँ जो कंडीशन है ये आपके किसके लिए UR के लिए निर्धारित कर देंगे, और हो सकता है ये बाकी 15 गुना अगर उनको मिल जाते तो पहली स्टेप रहेगी, नहीं तो आपको जो है इस टाइप से ले सकते हैं, यहाँ SC+OBC आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर केवल ST आ जाएगा, तो ये कंडीशन वापस इसके साथ भी हो सकती है जो लोकोपाइट में हुई है। लेकिन अंतर ध्यान रखिएगा यहाँ पर CBT 1 पासिंग है, क्या है, जैसे CBT 1 उसमें भी पासिंग था ना अपने लोकोपाइट वाले में, ऐसे CBT 1 पासिंग है, लेकिन यहाँ CBT 2 में बात करते हैं जिसमें यहाँ पर जो 100 क्वेश्चंस आएंगे आपके कितने, जिसका मैं सारा वीडियो जो आपको और दूंगा कि किस तरह से क्या-क्या सिलेबस और किस तरह से तैयारी करनी है, इसमें क्या-क्या चीज पढ़नी है आपका, इसका भी मैं वीडियो आपको दूंगा, लेकिन उसके लिए रुकना पड़ेगा। देखिएगा यहां पर CBT 2 में जो आपके 150 क्वेश्चंस आएंगे इसमें 100 क्वेश्चंस आपके ब्रांच के आएंगे, अरे बात बता रहा हूं, तो ब्रांच के जो 100 क्वेश्चंस आएंगे ये चीज आपको ध्यान रखनी है, यहां पर एक-एक चीज को क्लियर कर लेना है। अब आपको मैं जो है इसके बारे में देखिएगा एक विशेष बात बताता हूं कि 100 क्वेश्चंस और CBT 1 CBT 2 में क्या क्या सिलेबस है, इसका तो मैं विस्तार से बता दूंगा, लेकिन आपको अगर इन दोनों की तैयारी करनी है CBT 1 CBT 2 के लिए तो आप दोस्त किसके लिए, इंजीनियर वाली मेरिट की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, जूनियर इंजीनियर की तैयारी करनी है आपको, CBT 1 CBT 2 की तैयारी करनी है। बहुत सारे लड़कों के दिमाग में एक बात तो क्लियर चली रही होगी कि सर पहले CBT 1 की तैयारी कर लेते हैं उसके पास होंगे तब तो CBT 2 की तैयारी करें, नहीं तो क्यों करें, बिल्कुल बात आपकी सही है, परंतु आपको लोकोपाइट की भर्ती का ज्ञात होगा ऑलरेडी, पहले से पता होगा, अगर नहीं हो तो मैं बता देता हूं कि लोकोपाइट में आपको कितने का मुश्किल से जब CBT 2 करा रहे थे तो 20-22 दिन का टाइम दिया था, वो तो बढ़ा करके भर्ती को फिर एक महीना बढ़ा के फिर एक महीना बढ़ा दिया मजबूरी में, क्योंकि उसमें त्रुटियां ज्यादा हो गई थी, गलतियां ज्यादा हो गई थी, अधिक एरर के कारण आरआरबी इसको सही नहीं कर पाई थी, इसलिए जो है आपको CBT 2 के लिए टाइम मिल गया, अन्यथा CBT 2 के लिए बहुत कम टाइम दिया जाता है। जैसे अभी लड़के पास किए हैं आपको पता है, अभी जो सेकंड स्टेज का जो रिजल्ट आया है उसके लिए जो रिजल्ट आया तो अभी रिवाइज रिजल्ट में आपको अच्छी तरह से नॉलेज होगी, एक माह का टाइम दिया गया है, अतः कोई बंदा
चाहता है कि सीबीटी वन की तैयारी पहले कर लूँ, सीबीटी टू की बाद में करूंगा, तो उसका सिलेक्शन जेई नहीं बन सकता। जूनियर इंजीनियर तो बनना छोड़ दे, सपना छोड़ दे, अगर वो सीबीटी वन और सीबीटी टू की तैयारी साथ साथ करता है तो ही बन सकता, क्योंकि सीबीटी वन ओनली पासिंग है जिसमें 40-25 और आप कितना यहाँ पर 30% अंक ला सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं है, मेजर बात नहीं। मेजर बात यह है कि आपके सीबीटी टू का सिलेक्शन कैसे लेना है, और सीबीटी टू में जब आपके याद हो तो आपके ब्रांच के क्वेश्चन आएंगे, चाहे आपके इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, कोई भी ब्रांच हो, सब ब्रांच के मेरे पास स्पष्ट स्पेशल फैकल्टीज है और मैं खुद भी पढ़ाता हूँ स्पेशल ब्रांचों को। याद रखिएगा, आपको एक एक चीज का क्लियर हो, इसके लिए आप मेरे वीडियोज देख सकते हो जाकर के, जो कि मैंने ब्रांच वाइज कुछ कुछ के ब्रांच के डाले हुए, वैसे भी आप देख सकते हो। तो मेरे पास स्पेशलाइज फैकल्टी है और इसीलिए मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको एक विशिष्ट चीज, सिलेक्शन सीबीटी वन और सीबीटी टू में कोचिंग के लिए आप कोटा राजस्थान प्रसार पधार सकते हो। कहाँ पर आना आपको, कोटा में राजस्थान आ सकते हो, मैं आकर गारंटी के साथ सिलेक्शन ले सकते हो। गारंटी के साथ क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे को विश्वास है, अभी देखो अप्रैल और मई इसका टाइम दिया गया है और मेरे पास खूब सफिशियंट टाइम, आपके पास खूब सफिशियंट टाइम है 3 माह का लगभग, और 3 माह में मैं तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से एक एक चीज को स्पष्ट करते हुए, क्लियर करते हुए आपको पूरा सिलेबस के अनुसार कोर्स करा दूंगा। अतः जब 5 से 6 घंटे आपकी क्लास चलेगी दोस्तों, पूरा सुव्यवस्थित तरीके से जो कोर्स होगा, तो नेचुरल बात है कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला। इसी बात की गारंटी जो मैं लिखाऊं उन प्रश्नों को पढ़ लेना, जो मैं दूस नोट्स उनको पढ़ लेना, अगर वो पढ़ लिए आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, इसलिए ये गारंटी के साथ मैं कह सकता हूं। देखिएगा यहाँ पर इसके लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हो, नंबर दिए हुए मैंने, अगर आपके पास पहले नंबर पर कॉल नहीं लगे तो दूसरे नंबर पर कॉल लगा सकते हो। कोटा पधारने के लिए नंबर पर, दोनों नंबरों पर कॉल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाय द वे ये नहीं उठा पाए थे इस पे, इसलिए मैंने दोनों कंडीशन क्लियर कर दी। तो आप जैसे ही कोचिंग के लिए आए तो कॉल कर सकते हो, या अगर कोई क्वेश्चन पूछना तो कॉल कर सकते हो, या अगर कोई प्रॉब्लम है आपके रिलेटेड रेलवे से, या कोई भी अदर प्रॉब्लम है लोगों से, या कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी, आप मेरे को शेयर कर सकते हो, नंबरों पर व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, और आप आए तो जरूर कॉल कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद एक और बात बता देना चाहता हूं जो आप लोगों के लिए बेहद काम की है, वो क्या है दोस्तों, तो देखिएगा यहां पर लोकोपाइट सीबीटी 2 के बाद, देखिएगा जिन लड़कों से, तुम में से काफी लड़के जो है सीबीटी 2 में जो है पेपर दे रहे हैं या देंगे, देखिएगा पेपर देंगे ना भी, देखिएगा जिसकी तैयारी तुम लोग कर रहे हो, अभी मैं भी करा रहा हूं उसकी कोचिंग, याद रखना। तो यहां पर सीबीटी 2 के बाद साइको की ऑनलाइन कंप्यूटर तैयारी है तो आप आ सकते हो मेरे पास में, ऑनलाइन कंप्यूटर तैयारी है तो आप आ सकते हो, कोटा राजस्थान में आ सकते हो दोस्तों। कहां ऑनलाइन तैयारी, क्योंकि आपको पता हो तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 और साइको टोटल तीनों ही ऑनलाइन होंगे, और आप कोई भी हिंदुस्तान की बुक लेकर देख लो साइको की, ऐसा लगेगा इसको तो मैं ही कर लूंगा, ऐसा लगेगा इसको तो मैं ही कर लूंगा दोस्त, तो आपको जरूरत ही नहीं लगेगी टीचर जैसी महसूस। लेकिन दोस्त जब तक आप ऑनलाइन प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक आप अनुभवी टीचर के पास नहीं जाओगे, अनुभवी का मतलब ये नहीं कि वो 10 साल से 20 साल से पढ़ा रहा हो, इसका मतलब ये नहीं है, 10 साल से तो मैं भी पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूस, लेकिन अनुभवी का मतलब है कि जिसने साइको दिया हुआ हो। दोस्तों मैं आपके सामने लोकोपाइट में 2 बार सेलेक्टेड हूँ, वर्तमान में आप के साथ में रेलवे में इंजीनियर पोस्ट पर कार्यरत हूँ, अतः आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। जिस फील्ड से, जिस रास्ते से, जिस पथ पर मैं चल करके पहुंचा हूं, उसी पथ पर आपको ले जाऊंगा, चाहे इंजीनियर हो, चाहे साइको हो, चाहे सीबीटी 1 हो, चाहे सीबीटी 2 हो। अतः इसलिए मैं दावे के साथ, गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आप मेरे पास पढ़ते हो तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई नहीं रोकने वाला, ये मैं कह सकता हूं। क्यों कह सकता हूं, क्योंकि मैं जो आपको दूंगा वो अनुभव दूंगा, मैं 2-10 सालों का अनुभव दूंगा, साथ में प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, और कुछ अब तक के दिल्ली मेट्रो के, भेल के, सेल के, डीआरडीओ के, इसरो के, टेक्निकल के, किसी भी प्रकार के इंजीनियरिंग के जितने भी पेपर्स आए हैं वो आपके हल कराएंगे और आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो बताओ आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ये मेरे अकेले से संबंध नहीं, लेकिन आप और हम दोनों जब ताली से ताली मिलाएंगे, हाथ से हाथ मिलाएंगे, तो ताली जरूर बजेगी और उससे जरूर रंग आएगा, क्योंकि देखिएगा यहां वही बात बता रहा हूं मैं आपको और वही चीज। तो आप साइको के लिए दोस्तों आ सकते हो, उस पर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन तैयारी कराएंगे, जिसमें बगैर कंप्यूटर के ऑनलाइन तैयारी अगर साइको की नहीं होती आपकी तो प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस ही है। सीबीटी 1 सीबीटी 2 क्लियर करना बात नहीं, साइको से भी टफ है, देखने में इजी भले लगता है, लेकिन यहाँ पर कुछ मिली सेकंडों को बचाना होता है। अगर यहाँ आने से आपके पास हम 5-10 सेकंड आपके प्रत्येक सेक्टर में बचवा देते हैं, टिप्स बता देते हैं, तो रियली आपका सार्थक हुआ कागा। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास, मैं हिंदुस्तान में कोई भी जगह जहां पर जो भी अनुभवी हो, जिसने खुद ने लोकोपाइट का साइको सेलेक्टेड कर रखा हो, कोई भी टीचर्स हो, उससे पढ़िएगा, वो आपको सही गाइड करेगा।
रहेगा। मैं नहीं कह रहा कि किताब वाला है जिसने किताब छाप रखी वो अच्छा पढ़ा ले, ऐसा कोई जरूरी नहीं है दोस्तों। प्रैक्टिकल होना चाहिए, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा आता होगा, ऐसा होता होगा, ऐसा होगा। मैं कहता हूँ ऐसा ही होता है, बिकॉज क्योंकि मैं उस दौर से गुजर के आया हूँ, उस पद पर चल करके आया हूँ कि साइको में 5 सेट होते तो 5 सेट होते हैं, अलग अलग का अलग अलग टाइम निर्धारित होता तो होता है, वो कंप्यूटर बेस्ड होगा इस बार तो कंप्यूटर बेस्ड की प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल तैयारी होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है, लिखेगा LPCVT2 के लिए साइको की ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड तैयारी के लिए आप पधार सकते हो, उसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हो, मैंने दो दो नंबर दे रखे आपको। एक और चीज मैंने नोट डाल के लिखी है यहाँ, निःशुल्क CBT1 CBT2 व साइको, निःशुल्क देखिएगा CBT1 CBT2 व साइको के नोट्स प्राप्त करने हैं तो आप मेरे को कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, और व्हाट्सएप पर कॉल कीजिए या मेल कर सकते हो, इनके सहायता से हम आपको कि सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा देंगे, हार्ड कॉपी नहीं सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड करा दूंगा, जिससे कि आप सेल्फ घर बैठे तैयारी कर सके। जरूरी नहीं है कि सब बंदे मेरे पास यहाँ आ सके, लेकिन घर पर प्रैक्टिस तो कर ही सकते हैं। अतः इन चीजों के लिए आपको सॉफ्ट कॉपी में डाल दूंगा, और उसके लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और इस पर नहीं होता तो दोनों पर कर सकते हो, ये कंडीशंस कॉल्स कर सकते हो ज्यादा असुविधा हो तो। दोस्तों मैं समझता हूं कि आप बोर्ड का चयन खुद कर लोगे, और जल्दीबाजी मत कीजिएगा, एक और वीडियो में ब्रांच वाइज भी बनाऊंगा क्विकली, उसका भी इंतजार कीजिएगा, उसके टाइम भी आप भर सकते हो। एक वीक के लिए थोड़ा एक बार खुद एनालाइज करो, उसके बाद फॉर्म भरना। फॉर्म भरने में कतई जल्दीबाजी मत करना, क्योंकि RRB पोस्टों को घटा बढ़ा सकती है ना। अतः आपने जिस बोर्ड से अभी तत्काल भर दिया वहां की पोस्टें खत्म कर दी उसने RRB ने, तो फिर क्या करोगे? ऐसे में बढ़ा दी तो चलो ठीक है, सोने पर सुहागा, लेकिन घटा दे तो क्या करोगे? ऐसे में थोड़ा सा एक वीक रुक करके तसल्ली से सोच समझ कर निर्णय लेकर के बोर्ड का चयन करके फिर भरे, जिससे कि आपको आगे, क्योंकि आपके मेरिट का सिलेक्शन के ऊपर ही आपका सिलेक्शन है, तो आपको चेंज करना है। मैंने तरीके बताए हैं दोस्तों, ये सारा जो भी पैटर्न मैंने बताया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो प्लीज इस वीडियो को आप जितना ज्यादा हो सके शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, और कोचिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं, अगर आप आना चाहे तो मोस्ट वेलकम होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।